झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में हुई है बंपर वोटिंग। 38 सीटों में करीब 68.45% वोटिंग हुई है। नाला महेशपुर सारण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, नाला में 80.3% तो महेशपुर में 79.82% वोटिंग हुई है। वहीं सारठ में 77.94% मतदान हुआ है। सबसे कम बोकारो में 52.2% वोटिंग हुई है। कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता कामरान, बंपर वोटिंग हुई है इस बार झारखंड में, देखना ये होगा कि ये बंपर जो वोटिंग हुई है वोट किसकी पार्टी पर पड़े हैं, ये तो अब नतीजे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए 68.5% वोटिंग, ये जबरदस्त वोटिंग मानी जाती है। हालांकि आज दोपहर तक फाइनल जब आंकड़े आएंगे तो उसमें कुछ प्रतिशत में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि कल देर शाम तक कई वोटर्स जो हैं वो बूथों में लगे थे। हालांकि वक्त था 5 बजे तक का, 5 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर आप पोलिंग बूथ पर हैं तो वोटिंग करने का अधिकार आपको मिलता है उस वक्त। अब दरअसल क्योंकि इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है, इस वोटिंग से दोनों ही दलों में, यानी अगर इंडिया गठबंधन की बात करें और एनडीए गठबंधन की बात करें, तो दोनों ही दल काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कामरान, ट्रेंड क्या कहता रहा है अब तक का? अगर बंपर वोटिंग होती है तो अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, हर बढ़ते हुए प्रतिशत वोटिंग की ट्रेंड जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। कई जगहों पर ये कहा जाता है कि अगर ट्रेंड बदल रहा है या यूं कहें कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बदलाव के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसी जगहों पर अगर ट्रेंड बदलता है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, तो फिर वो रिटेन कर जाता है संबंधित नेता। तो सीधे तौर पर अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर वोटिंग जो प्रतिशत बढ़े हैं उससे फायदा किसको मिल रहा है, लेकिन दोनों ही दल यानी दोनों ही खेमा उत्साहित भी है और एक तरीके से टेंशन में भी। कामरान, जो वोटिंग हुई तो जनता ने उस वक्त क्या रिस्पॉन्स किया, क्या हावी रहा, मुद्दे ज्यादा हावी रहे या फिर जो प्रत्याशी हैं वो हावी रहे, क्या कुछ कहती नजर आई वहां की जनता जो वोटिंग के दौरान? विधानसभा 2024 के पूरे चुनाव में जब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों की बात करें तो यहां पर जो जनता थी वो काफी सूझबूझ के साथ काम ले रही थी, क्योंकि विभिन्न मुद्दों के तहत तो राजनीति की जा रही थी। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो अलग अलग तरीके से मुद्दे उन्होंने लिए थे, काफी ज्यादा सरकार पर आक्रामक थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार यानी इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, जो नेता थे, वो डिफेंडिंग पोजिशन में थे, लेकिन हर बार उनके अटैक का काउंटर अटैक किया जा रहा था। अब आरी मतदाताओं ने किसके तहत वोटिंग को लिया है तो सीधे तौर पर ज्यादातर लोगों का कहना था कि राज्य में जो विकास हो रहे हैं या राज्य में जो विकास की जरूरत है उसके आधार पर वोटिंग की गई है। और सबसे अहम कैंडिडेट को लेकर भी वोटिंग काफी ज्यादा की गई थी। कैंडिडेट का पूरा बायोडेटा जो है वो खंगाला गया था प्रत्याशियों मतदाताओं की तरफ से, लेकिन सबसे खास बात तमाम मतदाताओं ने वोटिंग तो किया लेकिन एक तरीके से साइलेंट वोटिंग की। इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं होने दिया कि किसके पक्ष में वोट जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस साइलेंट वोटर्स ने प्रत्याशियों की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। अब देखना है कि 23 नवंबर को क्या कुछ रिजल्ट आता है। धड़कने बढ़ी होंगी कामरान, लेकिन अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज, जिस तरीके से आप बता रहे बंपर वोटिंग तो हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां की जनता ज्यादा जागरूक नजर आई है? ग्रामीण इलाके के लोग बाहर निकले हैं या फिर शहरी इलाके के लोग? इसकी बात करें तो 68.45% वोटिंग हुई है, लेकिन नाला में 80.3% जो कि सबसे ज्यादा वोटिंग है, महेशपुर में 79.82% और सारठ में लगभग 78% वोटिंग हुई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी लगातार हम कर रहे थे, हमने देखा कि शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों की बनस्बत जो वोटर्स है उनकी संख्या कम है, जबकि ग्रामीण इलाकों में हुजूम उमड़ा था। कई जगहों पर हमने ऐसा देखा कि 5 बजे से ही जो मतदाता है वो कतारबद्ध हो चुके थे, मॉक पोल से पहले ही वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे और अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते नजर आए थे। सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि ये मताधिकार तो उनका एक अधिकार है ही, लेकिन एक दायित्व भी है, क्योंकि अगर आप अच्छी सरकार चुनते हैं या आप अगर वोटिंग करते हैं तब फिर आप सरकारों से पूछ सकते हैं कि उनके विकास के कार्य क्या हो रहे हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं लाई जा रही है। लेकिन अगर कोई शख्स वोट नहीं करता है तो फिर किसी भी विकास के कार्य के लिए सरकार को दोष देना सही नहीं रहता। इसीलिए तमाम जो वोटर है वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आए, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 23
नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर सरकार को यानी किसे झारखंड की आवाम ने बहुमत दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही कैमरबुरी जी मीडिया की खबर का असर हुआ, खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने संज्ञान